अगर एक जनधन अकाउंट उसकी जिंदगी बदल सकता है तो गरीब को जब छत मिले, गरीब को जब घर मिले, तब उसका जीवन कितना बदल जाता है इसका हम देख करके बता सकते हैं। जो भी उन परिवारों को देखेगा उसका विश्वास बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, सरकार जो घर बनाकर इन्हें देती है वो घर इन गरीबों को एक तरह से लखपति बना देती है। मैं जब छोटा था लखपति शब्द बहुत बड़ा लगता था। लखपति यानी कितनी बड़ी दुनिया है, सुनते ही कान खड़े हो जाते थे। लेकिन हमने जो गरीबों को घर दिया है ना, उसकी कीमत के हिसाब से देखे तो हमने पिछले 7 साल में 3 करोड़ गरीबों को पक्के घर देकर उन्हें लखपति बनाया है। जो गरीब थे, जो झोपड़पट्टी में रहते थे, अब उनके पास अपना घर है। पहले के मुकाबले हमारी सरकार ने इन घरों के लिए राशि भी बढ़ाई है और समय की ध्यान को रखते हुए घरों की साइज भी बढ़ाई है ताकि बच्चों की पढ़ाई न छूट जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जगह मिल जाए। बड़ी बात यह भी है कि इसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर भी है, यानी हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया है। साथियों, हम सामाजिक न्याय के लिए तो हमेशा काम करते हैं और इसे अपना दायित्व समझते हैं। जैसे समाज की भलाई के लिए सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, वैसे ही देश की भलाई के लिए भी देश का संतुलित विकास भी जरूरी है। भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, कोई इलाका अविकसित रह जाए, ये ठीक नहीं है। और इसलिए हमने आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभियान शुरू किया था। इन जिलों में गरीब की शिक्षा के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, गांव की सड़कों के लिए, बिजली पानी के लिए जो काम हुए उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। अब इस बजट में घोषणा की गई है कि आकांक्षी जिलों में राज्यों के साथ मिलकर आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जाएगा, यानी उसे और नीचे ले जाया जाएगा, यानी विकास का लाभ आखिरी छोर तक पहुंचाने का एक वैज्ञानिक तरीका है और धन का सदुपयोग करने का, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का और फोकस एक्टिविटी करने का रास्ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर जरूरी सुविधाएं पहुंचे, इस पर सरकार का जोर है। साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, हमारे जवान दिन रात डटे रहते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हमारे सेना के जवान जो सीमा पर तैनात है, हमारे सुरक्षा बल के जवान जो सीमा पर तैनात है, उनको वो सीमावर्ती जो गांव है ना, वो भी एक प्रकार से किले का काम करते हैं और उन सीमावर्ती गांवों का देशभक्ति का जज्बा भी अद्भुत होता है। अभावों के बीच, संकटों के बीच, मुसीबतों के बीच सीमा पर रहने वाले छोटे 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 गांव के लोग दिन रात देश की रक्षा के लिए सजग रहते हैं। अब समय आ गया है कि हमें हमारी राष्ट्र रक्षा की जो नीतियां हैं उसमें
सीमावर्ती गांवों के नागरिकों की शक्ति को पहचानना होगा, उनके अहम रोल को जानना होगा। और इसलिए हमने ध्यान आकर्षित किया है कि सीमावर्ती जो हमारे आखिरी गांव है हिंदुस्तान के कोने कोने में है, उन गांवों को विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहने देना है। इस वजह से हम बरसों से सीमा